इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आया कुलदीप यादव, पकड़ के उसने बया दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया, बैस बाल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया पकड़ के जब कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन अनबिलीवेबल। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे, मतलब के एक ही दिल्ली कितनी दफा जीतोगे कुलदीप यादव। पहली चार विकेट से लेने वाला ये बंदा था, ना बुमराह ना अश्विन ना सिराज ना जडेजा। सो कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गुगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इंप्रोवाइजेशन, रिवर्स क्लिक कह लें या रिवर्स स्वीप कह लें या स्विच हिट कह लें, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से हथियार डाले, मतलब द क्रेडिट लाइज विद कुलदीप यादव हियर। कुलदीप यादव ने आज जिस तरह अपनी मैजिकल चाइनामैन डिलीवरीज जो आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने डाली हैं, दे हैड एब्सोल्युटली नो क्लू। हमारे पाकिस्तान में जितने बैटर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट मिसाल है कि इस तरह बेटा रन के भूखे बन जाओ, रन करने। जो रूट, जोनी बेस्ट्रॉक, बेन स्ट्रॉक, ये सारे के सारे फाड़ी को खेल आएंगे इंडिया के अंदर। इन सबकी जो बेसबॉल है ना, उसको मधोल के यू मसल के ना इंडिया ने फेंक दिया है साफ सी। भारत ने जबरदस्त कमबैक किया है इस टेस्ट मैच में। देखिए, सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन आसान सिलेक्शन नहीं थी, इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, हालांकि इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ना बैट्सबॉल के रहे, ना ये डिफेंसिव माइंडसेट के रहे, ना ये तीन में रहे ना ये तेरह में रहे। और रन्स मशीन कौन? जसवाल, पक्का प्लेयर, इंडिया का माइकल बेवन, यही नाम दिए ना, देख रहे क्या खेला है। तो अपना रोहित शर्मा ने आज प्लानिंग करी, बहुत कामयाब। और कुलदीप ने जो बॉलिंग करी है ना जी, टॉप क्लास क्लास, इसको बोलते ना कि आओ बेटा मारो, जो उसने बैरिस्टो को आउट करे ना, आह क्या बात है, क्योंकि वो हाथ नहीं देखते ना गोरे, वो तो बस समझ ना आए तो रिवर्स मार दो या स्वीप मार दो। और रन्स मशीन कौन? जसवाल, पक्का प्लेयर, इंडिया का माइकल बेवन, यही नाम दिए ना, देख रहे क्या खेला है। उसके बाद उसने लगाया टर्बो, टर्बो समझते हैं, टर्बो खेल जिसको अमूमन तो पांच खेल होते ना, छठा इसको बोलते हैं, जो उसने घेर मारा ना एक ओवर में 14-14 रन, 10-10 रन, बाउंसर मारी ये छक्का, चले इधर मिड ऑफ के ऊपर से मारा, इधर चौका हो गया, फिर पुल पे छक्का। तो उसने बताया कि बैटिंग इस तरह करते हैं, बैटिंग का शौक, रनों का भूखा। हमारे पाकिस्तान में जितने बैटर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट मिसाल है कि इस तरह बेटा रन के भूखे बन जाओ, रन करने। लेकिन जी इंडिया ने पिछाड़ा हुआ है आज के दिन, यानी नथिंग विकेट में, इसलिए कह रहा हूँ कि विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 फॉर 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए महज 79 रन्स के ऊपर। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप, जसप्रीत बुमराह की जो दो डिलीवरीज थी क्रॉली और बेन डकेट को, वो देख के ऐसा लगा कि आज यार लक जो है ना वो इंग्लैंड की तरफ है। एक तो धर्मशाला का बड़ा जबरदस्त विकेट है, टॉस जीत के इंग्लैंड को फायदा हुआ है, इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला भी कर लिया है, तो जरा मुसीबत में फंस जाएगी इंडिया, गलत हो गया है और लक नहीं इंडिया की तरफ जा रही है। और लंच का जब क्लोज हुआ तो लग ये रहा है कि नहीं यार इंग्लैंड जो है ना उनको यहाँ फाउंडेशन मिल चुकी है, अब अच्छा खासा ये लोग आगे डेवलप करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है। लेकिन lesser it was known to England and all the fans and everyone who was watching this game ke what is in store ke agle session ke andar 6 wicket hain batting ke baad thodi der ke baad hi koi 20 minute ke baad 2 wicket hain aur kahani khatam 218 pe England tak matlab England darrne ki sehmne ki phatne ki kya zarurat hai, tum log 4 already 3-1 is series mein ho bhai, bahaduri se khel lo। Lekin jis tarike se hathiyar dale, matlab the credit lies with कुलदीप यादव हियर। कुलदीप यादव ने आज जिस तरह अपनी मैजिकल चाइनामैन डिलीवरीज जो आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने डाली हैं, दे हैड एब्सोल्युटली नो क्लू। मुझे समझ नहीं आ रहा ये ना बैट्सबॉल के रहे, ना ये डिफेंसिव माइंडसेट के रहे, ना ये तीन में रहे ना ये तेरह में रहे। लंच खत्म हुआ 137 पे जैक क्रॉली का तीसरा विकेट गिरा कुलदीप यादव की तरफ से, और उसके बाद एक लाइन लग गई कि महज 79 रन के बाद इंग्लैंड की टोटल टीम ऑल आउट हो गई 218। इंडिया ने पकड़ के बैस बाल का एक बार फिर धर्मशाला में घंटा बजा दिया पकड़ के। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आया कुलदीप यादव, पकड़ के उसने बया दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया, बैस बाल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया पकड़ के जब कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और जो वो रविंद्र जडेजा ने पकड़ के इनको बया दिया पकड़ के 175। लेकिन क्या शानदार बॉलिंग के कुलदीप, 180 इंग्लिश बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 175 पे इनके तीन आउट थे, 175 पे तीन आउट
और 180 पे 8 आउट इंग्लैंड के। ये है इंडिया के स्पिनर्स की ग्रेटनेस, एक एक ऐसे ट्रैक के ऊपर, एक ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर बजा दिया पकड़ के, घसा दिया डंडा दे दिया पकड़। आदरा बहन के स्ट्रोक मार, आदरा ना तुझे पटका के मारा है, किधर गया हुआ तेरा जोनी सिंस और बहन का स्ट्रोक और बहन का फोक्स और बहन का डकी डो, ये डुकी डुकी बेटा बजा दिया पकड़ के सबकी। क्या एक्सेप्शनल बॉलिंग किया कुलदीप यादव ने, क्या क्लास का वो बंदा बॉलर है, मतलब मजा आ जाता उसको देख के यार। कुलदीप यादव ने इस पूरी सीरीज में थ्रू आउट दी सीरीज एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, आज 175 पे 3 आउट है। मुझ समेत हर बंदे को लग रहा है इंग्लैंड 350 तक जाएगा, लेकिन एक मोमेंट आता है 180 पे 8 हो जाते हैं, बजा देता पकड़ के कुलदीप यादव, बजा देता पकड़ के रविचंद्रन अश्विन अपने 100 टेस्ट मैच में एक्सेप्शनल बॉलिंग। भाई ये इंडिया की क्लास है यार, इंडिया की टीम ही क्लास है। क्या क्या हीरे लेके आते हो, कभी बुमराह आता है वो एक्सपेरिमेंट मैच बदल लेता है, कभी सिराज आता है, कभी आकाश दीप आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, मतलब कभी जडेजा आके मैच बदल देता है, कभी जब आके रविचंद्रन अश्विन मैच बदल देता है। आज कुलदीप यादव ने पकड़ के बजा दिए इनकी, और इंडिया क्या करे। कमेंटेटर संजय, पता है संजय मान लीकर क्या कह रहा था कि अगर इंडिया ने प्रॉपर उत्तर मेरे छंक लो, अगर इंडिया टर्निंग ट्रैक बनाता तो आपसे तो 50 रन भी ना बनते। उत्तर ये पाकिस्तान नहीं है, तो पिंडी में आओगे फ्लैट ट्रैक पे, इधर क्यों नहीं रन हो रहे, क्योंकि इधर वर्ल्ड की टॉप साइड है। ओ भाई साहब अखीर ही कर दी है, मतलब के इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है इंडिया, ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, कि 100 पे 1 आउट और 198 के ऊपर 8 आउट हो, अनबिलीवेबल। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे, मतलब के एक ही दिल है कितनी दफा जीतोगे कुलदीप यादव। पहली 4 विकेट से लेने वाला ये बंदा था, ना बुमराह ना अश्विन ना सिराज ना जडेजा, कुलदीप यादव। इस बंदे ने क्यों इतना अर्सा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, इतने कम टेस्ट मैचेस खेले, सवालिया निशान है। धर्मशाला इतना शानदार किस्म के विजुअल, इतना शानदार किस्म का स्टेडियम, वहां पे स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स का राज। और मैं एक चीज बड़े सुकून से कहूंगा, वो ये है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये अपने ओपनर्स के बगैर कुछ भी नहीं है। इस पूरी सीरीज के अंदर जैक क्रॉली और बेन डगेट ने जो रन किए हैं, जो रूट जोनी बेस्ट्रो बेन स्ट्रो के सारे फारिक होके रह गए इंडिया के अंदर। इन सबकी जो बेस बॉल है ना, उसको मधोल के यू मसल के ना इंडिया ने फेंक दिया है, साफ सी बात। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कुलदीप यादव ने 5 विकेट हॉल लिया, लगातार अपना चौथा 5 विकेट हॉल लिया, और लगातार नहीं मतलब कि कुलदीप यादव ने जिस तरीके की बॉलिंग किया, इंग्लिश बैट्समैनों को मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इस तरीके की कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, 5 विकेट हॉल लिया और 50 विकेटें भी पूरी की कुलदीप यादव ने। इंडिया की तरफ से पहले ऐसे लेफ्ट आर्मर रिस्ट स्पिनर बने जिन्होंने 50 विकेटें ली हो, और कुलदीप यादव ने मतलब कि क्या बॉलिंग की, अश्विन ने बॉलिंग की, और इंग्लैंड की टीम को इंडिया ने 218 रनों पर ढेर कर दिया है। और अब इंडिया इस टेस्ट मैच को भी जीतने वाला है, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम।